नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने घोषणा की कि इस मेडिकल कॉलेज में कैंसर के उपचार के लिए अलग विंग भी शुरू की जाएगी। इसके लिए 7.5 एकड़ भूमि मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सिरसा में संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन समारोह में उपस्थित जन को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कॉलेज प्रांगण में एक पेड़ माँ के नाम लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया और इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने महान संत सरसाई नाथ जी को नमन करते हुए सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सिरसा से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। भारत माता की भारत माता की आज मेरा परम सौभाग्य है सिरसा की इस पवित्र भूमि संत सरसाई नाथ जी की ये भूमि और संतों की इस भूमि इस पवित्र भूमि पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर आने का मौका आप सब के बीच में मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे महंत सुंदर रायनाथ जी और हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य कुमारी आरती राव जी और हमारे मार्गदर्शक पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल महोदय भी रहे हैं, ऐसे परमादरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमारे बीच में इस क्षेत्र से जो सांसद रही है ऐसी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल कांडा जी, यहां से जिन्होंने चुनाव लड़ा है और हमारे सिरसा के माननीय विधायक गोकुल सेतिया जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जगदीश चोपड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष शीशपाल कांबोज जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता देव कुमार शर्मा जी, गोविंद कांडा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो श्रमिकों में लगातार काम करते रहते हैं, मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे रोहतास जांगड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे सचिव सुरेंद्र आर्य जी, बहन नीताशा सिहाग जी और हमारी बहन रेणु शर्मा जी, अमीर चंद मेहता जी, राजेंद्र देसु जोधा जी,
श्री बलदेव सिंह जी, रामचंद्र कांबोज जी और प्रदीप रातू सरिया जी हमारे स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुनीता मिश्रा जी और हमारे डायरेक्टर साकेत कुमार आईएएस जी, उपायुक्त महोदय शांतनु शर्मा जी, एसपी महोदय जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस संत सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर इतनी भारी संख्या में मेरी सिरसा की सरदारी आई है, मातृशक्ति आई है, सभी बुजुर्ग महानुभाव युवा साथी आए हैं, सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाई नाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाई नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाई नाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिको को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत सरसाई नाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।